हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइनरी सर्च के बारे में। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी डेडिकेटेड टू व्हिच टाइप ऑफ सर्चिंग, द सर्चिंग इज कॉल्ड बाइनरी सर्च। ठीक इसके पहले वाली वीडियो में हमने देख लिया था कि लीनियर सर्च क्या होता है, या लीनियर सर्च को हम क्या कहते हैं, सिक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं, और उसके प्रोग्राम को, उसके एल्गोरिदम को सब कुछ देख लिया था हमने। ठीक है, तो पहली ठीक इसके अगर आपको वो देखना है तो ठीक इसके पहले लीनियर सर्च है वो देखिए, और इस वीडियो के लिए हम जो करने वाले हैं कवर अप, दैट इज कॉल्ड बाइनरी सर्च। दोनों सर्चिंग ही है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये स्लो होता है और ये कंपैटिबली काफी फास्ट होता है। सो व्हेन द डेटा इज इन लार्जर क्वांटिटी, उस समय अगर हम लीनियर सर्च को यूज करेंगे तो हमारी सर्चिंग काफी स्लो होगी, और जब हम बाइनरी सर्च को यूज करेंगे तो कंपैटिबली काफी फास्ट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें बाइनरी सर्च की, तो बाइनरी सर्च क्या होता है, तो ये भी एक सर्चिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम, यानी जो हमारा बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम है, ठीक है, सर्च एल्गोरिदम, ठीक है, एडॉप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइड एंड कंकर। ठीक है, डिवाइड एंड कंकर, इसका मतलब क्या हुआ, डिवाइड एंड कंकर ये रूल को क्या करता है, एप्लीकेबल करता है। यानी कि इसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि एक बड़ा सा लिस्ट है, उसको हाफ करो, फिर उस हाफ को और हाफ करो। तो इसका मतलब क्या है कि फटाफट जो है ये क्या करता है, मतलब जैसे मान लिया 100 एलिमेंट है, 100 को 50% करेगा, यानी कि 50 हो गया, 50 को सीधे 25 करेगा, यानी कि सर्चिंग को ये ड्रास्टिकली रिड्यूस करते चला जाता है। इसकी वजह से ये क्या होता है, फास्ट होता है। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या बोल रहे हो आप, 100 से 50 हो जाता है, 50 से 25 हो जाता है। उसका जब मैं एल्गोरिदम समझाऊंगा अभी आपको, तो आपको क्लियर होगा, डोंट वरी। इसके बारे में हमें ये जानना है कि जो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम होता है, ठीक है, इसके लिए प्री कंडीशन होती है। ठीक है, इट हैज अ प्री कंडीशन, यानी कि इट हैज, सॉरी नॉट इज, इट हैज, थोड़ा सा तो इंग्लिश सही लिखना ही होगा ना। ठीक है, इट हैज प्री कंडीशन, यानी इसके पास एक प्री कंडीशन होती है, दैट इज वो क्या होती है, दैट इज द एलिमेंट्स, यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं ऑफ द एरे, ऑब्वियसली हम किसको शॉर्ट कर रहे हैं, एरे को शॉर्ट कर रहे हैं, सॉरी सर्चिंग हम एरे में कर रहे हैं, तो द एलिमेंट्स ऑफ द एरे मस्ट बी इन सॉर्टेड ऑर्डर, यानी कि जो हमारा एलिमेंट होना चाहिए वो 110% किस ऑर्डर में होना चाहिए, शॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, राइट। तो शॉर्टेड ऑर्डर में होने का मतलब क्या हुआ, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब अगर आप बाइनरी सर्च को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, बाइनरी सर्च के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि जो आपका एरे होना चाहिए वो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले से शॉर्टेड होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। अब बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन आती है कि सर मान लीजिए हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं एरे को, और उसने जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं दिया, तो क्या हम अपने प्रोग्राम के अंदर शॉर्टिंग का प्रोग्राम लिखेंगे कि हम उसको पहले सॉर्ट करें फिर सर्चिंग करें? नहीं, आपको ये मान के चलना है कि आपका स्टूडेंट, मतलब आपका यूजर, सॉरी आप मेरे स्टूडेंट हो इसलिए, ये जो यूजर है, ऑब्वियसली देखो हम ही कोड लिख रहे हैं, हम ही रन कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हमें सॉर्टेड ऑर्डर में देना है, तो हम सॉर्टेड ऑर्डर में देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसमें अगर हमें सर्चिंग करना है तो कैसे हम सर्चिंग को परफॉर्म करते हैं, देखो बच्चा ध्यान समझना, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारा स्ट्रेटजी है, जो हमारा टेक्निक है, जो बाइनरी सर्च अडॉप्ट करता है, कैसे अडॉप्ट करता है, समझो यहां पे ध्यान से। मान लो मेरे पास एक ए नाम का एरे है, ठीक है, हमारे पास एक ए नाम का एरे है, उसमें 10 एलिमेंट्स है, 3, 7, 9, 16, 25, 28, 30 और 35, कितने एलिमेंट्स हुए, देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है, मान लो 40 और 42, 8 और 9, तो टोटल एलिमेंट्स की संख्या 10 हो गई। मतलब मैंने अपने इस एरे में 10 एलिमेंट्स को रखा है, तो एरे का जो मेरा साइज है वो क्या हो गया, 10 हो गया। अब जो हमारा सर्चिंग का कॉन्सेप्ट है वो कैसे चलता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम एक सबसे मतलब छोटा, मतलब जो हमारा इंडेक्स है, सबसे छोटा इंडेक्स कौन सा है, 0 है, यानी कि हम अपने फर्स्ट इंडेक्स पे आई को रखेंगे। ठीक है, एल्गोरिदम लिख दें, चलिए इसी के साथ साथ एल्गोरिदम भी लिख देते हैं, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट समझाते चलेंगे और एल्गोरिदम भी लिखते चलेंगे। स्टेप वन क्या होगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली। स्टेप टू क्या होगा,
इनपुट एरे एंड एलिमेंट टू बी सर्च, इनपुट एरे एंड एलिमेंट टू बी सर्च, यानी कि इनपुट कीजिए एलिमेंट टू बी सर्च किसका, एरे का और जो हमारा एलिमेंट है जिसको हमें सर्च करना है। ठीक है, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा क्या करना है, स्टेप थ्री में क्या कहा मैंने, आई को जीरो पर सेट करना है और जियो कितना सेट करना है। तो फर्स्ट वाले मतलब आई को एक इंडेक्स, एक वेरिएबल हम जो लेंगे वो लेंगे फर्स्ट वाले इंडेक्स पे, ठीक है, और एक वेरिएबल जो हम लेंगे वो लेंगे लास्ट वाले इंडेक्स पे। तो चूंकि हमारे एरे का साइज जो है वो क्या है, 10 है, और उसको मान लीजिए मैंने साइज नाम के वेरिएबल में रखा है, तो हम यहां लिख सकते हैं जे इक्वल टू साइज माइनस वन, या अगर हमको पता था कि मेरे 10 का एरे है तो मैं डायरेक्ट जे इक्वल टू 9 आई जे इक्वल टू 9 लिख सकता था, राइट, क्योंकि 9 इज द लास्ट इंडेक्स। अब हम क्या करते हैं, हम हर बार मिड फाइंड करते हैं। तो देखिए हमने आई को सेट किया 0 पे और जे को सेट किया 9 पे, ये पहले बार में। इसी केस में हम क्या करते हैं, मिड को चेक करते हैं। मिड को चेक करने से पहले क्या करते हैं, हम यहां पे एक और सेटिंग कर लेते हैं, वही फ्लैग वाला कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि मिला या नहीं मिला। तो एक फ्लैग लेते हैं और फ्लैग कितना सेट कर देते हैं, 0 पे सेट कर देते हैं। और कुछ सेट करना है हमें, नहीं फिलहाल हमें और कुछ सेट नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जब हमने i को और j को सेट कर लिया तो अब हम हर बार मिड निकालते हैं। मिड निकालते हैं तो ये लगाते हैं लूप के अंदर, मिड निकालने का काम, मिड मतलब बीच वाला एलिमेंट निकालने का काम हम क्या करते हैं, लूप के अंदर। उसके पहले एक चीज देख लीजिए, आपका एरे अभी जो मैंने दिया है वो किस ऑर्डर में सॉर्टेड है, दैट इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, 3, 7, 9, 16, 25, 28, 30, 35, 40, दिस इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। जिस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर के लिए कोड है, थोड़ा सा चेंज करके डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी आप कोड लिख सकते हैं, पहले ये समझते हैं। तो आप यहां पर स्टेप फोर में क्या करेंगे, आप लूप लगाएंगे स्टेप फोर में, लूप व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू जे, यानी जब तक आई और जे, आई जो है वो छोटा है या बराबर है किसके, जे के, तब तक हर बार आपको मिड फाइंड करना है। तो मिड कैसे फाइंड करेंगे, i प्लस जे अपॉन टू, ऑब्वियस ही बात है। तो देखिए मिड फाइंड करना है, करते हैं। मिड फाइंड करेंगे तो कैसे होगा, i प्लस जे, 0 प्लस 9 अपॉन टू, तो 0 प्लस 9 इज 9, 9 अपॉन टू इज 4.5 तो लेगा नहीं, इंटीजर है तो 4 हो गया। सो मिड हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखिए एक चीज तो हमने लिया ही नहीं, हमने एरे का इनपुट ले लिया था, बाद में हमें एलिमेंट टू बी सर्च भी तो लेना है। तो मान लीजिए मैं जो सर्च करना चाहता हूं वो की नाम के वेरिएबल में लूंगा, एंड सपोज आई वॉन्ट टू सर्च फॉर 35 कि 35 है या नहीं है, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, जब हम मिड निकाल लेते हैं, हमने आई को सेट किया 0 पे फर्स्ट इंडेक्स, जे को सेट किया 9 पे लास्ट इंडेक्स, लूप के अंदर ही हम पहली बार निकालते हैं मिड। तो मिड कितना निकला, आई प्लस जे अपॉन टू, यानी कि 4.5 आएगा एग्जैक्टली, 0 प्लस 9 इज और डिवाइड बाई 2 इज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4.5, लेकिन आप लेंगे 4 क्योंकि 0.5 नहीं लेगा इंटीजर, इसलिए तो मिड में निकल गया 4। अब हम जो कंपैरिजन करते हैं ना, वो इस ए के मिड का कंपैरिजन करते हैं की के साथ। क्या क्या कंपैरिजन हो सकता है, पहला कंपैरिजन मतलब अगर दो नंबर को आप आपस में कभी भी कंपेयर कीजिएगा, एनी टाइम यू आर कंपेयरिंग टू नंबर्स टुगेदर, क्या आउटपुट मिलेगा, एक आउटपुट आपको ये मिलेगा या तो ये दोनों नंबर बराबर हो सकते हैं। सो पहला क्या मिल सकता है कि जो ए के मिड में रखा हुआ नंबर है वो बराबर हो जाएगा किसके, की के, पहला कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जो ए के मिड में नंबर है वो बड़ा हो जाएगा की से, और तीसरा क्या हो सकता है कि जो ए के मिड में है वो जो है क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा की से। क्या इन तीन के अलावा कोई और ऐसा कंडीशन है जो हो सकता है, नहीं, दो नंबर या तो आपस में बराबर हो सकते हैं या तो एक बड़ा दूसरा छोटा होगा, और दूसरा छोटा होगा तो पहला वाला छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा, या इधर इट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन और लेस देन, यही तीन होते हैं, ये तीन हमने कर लिए यहाँ पे। अब इन तीनों के केस में हमें देखना भाई क्या करना है, तो हमें ये देखना है कि अगर a ऑफ मिड बराबर है की के, 25 बराबर है 35 के, नहीं है, पहला खत्म। दूसरा, a ऑफ मिड बड़ा है की से, 25 बड़ा है 35 से, ये भी खत्म। फिर तीसरा, a ऑफ मिड छोटा है की से, 25 छोटा है 35 से, बिल्कुल सही, 25 जो है वो छोटा है 35 से। अब एक बात बताइए, 35 जब छोटा मतलब 25 जब छोटा है 35 से, इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट हमको अब जब कभी मिलेगा तो इसके बाद ही मिलेगा, इसके पहले तो हमें एलिमेंट मिल ही नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि जब ये खुद छोटा है तो इसके पहले वाले तो इससे और छोटे होंगे, क्यों,
क्योंकि एलिमेंट्स हमारे सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। देखिए फिर से समझिए, 25 ए ऑफ मिड इज व्हाट, 25 लेस देन की, 25 लेस देन है 35 के, 35 के, हाँ जी हाँ छोटा है। तो हमें अब एलिमेंट पता चल गया कि इधर तो मिलेगा ही नहीं, हमें यहां से एलिमेंट अब आगे की तरफ सर्च करना है। पीछे तो बिल्कुल नहीं सर्च करेंगे, क्यों नहीं सर्च करेंगे, क्योंकि अगर खुद ये वाला नंबर छोटा है तो इसके पहले तो इससे छोटे वाले ही होंगे ना, क्यों होंगे, क्योंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो देखिए ना, 16 छोटा है, 9 छोटा है, 7 छोटा है, 3 छोटा है, तो 35 इधर का भी मिल सकता है, नहीं जब मिलेगा तो इधर मिलेगा, तो जब इस साइड में मिलेगा ही नहीं तो आई के इधर क्या काम है, कोई काम नहीं है। तो आई को हम उठाते हैं और मिड प्लस वन पे डाल देते हैं, नहीं यहां पे डाल देते हैं। सो इन दिस केस आई को सिर्फ उठा के कहां डाल देंगे, मिड प्लस वन पे डाल देंगे। और ये स्टेप दोबारा से फिर से चलेगा, दोबारा से मिड निकलेगा, ठीक है। कैसे निकलता है मिड, आई प्लस जे अपॉन टू, कैसे निकलता है मिड। अब आई और जे की वैल्यू हटा दीजिए क्या थी, अब तो लेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, आई जो है वो जीरो थी और जे जो है वो नाइन था, है ना। तो जीरो से अब क्या हो गया, आई की वैल्यू फाइव हो गई है, ठीक है। और मिड जो है अब फिर से कैलकुलेट होगा, यानी मिड जो हमारा फोर था फिर से कैलकुलेट होगा, कैसे, आई प्लस जे अपॉन टू, फाइव और नाइन को ऐड कीजिए, नाइन फाइव फोर्टीन, फोर्टीन अपॉन टू इज व्हाट, सेवन। तो मिड जो है हमारा कितना पे आ गया, सेवन पे आ गया, ठीक है। अब फिर से ये तीन चीजें ए बी सी, क्या ए ऑफ मिड में रखी हुई वैल्यू की के बराबर है, ए ऑफ मिड में कितना है, पैंतीस, पैंतीस पैंतीस के बराबर है, हाँ जी मिल गया, वाह कांग्रेचुलेशंस मिल गया। मिलने पे हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, बस फ्लैग को क्या कर देंगे, वन कर देंगे। तो जो हमारा फ्लैग था वो जीरो जो था, ऑब्वियसली हमने देखिए यहाँ पे सेट फ्लैग को भी जीरो पे सेट किया था ना, यहाँ पे किया था ना, तो फ्लैग जो हमारा जीरो था वो कितना पे सेट कर देंगे, उसको वन पे सेट कर देंगे। पोजिशन में क्या डाल देंगे, पोजिशन इक्वल टू मिड प्लस वन, तो मिड में कितना है, सेवन, सेवन प्लस वन एट, यानी पोजिशन में क्या डाल देंगे, एट डाल देंगे। और लूप को टर्मिनेट कर देंगे, ब्रेक क्यों लूप चलाना भाई, जब हमारा ऑलरेडी काम हो चुका है, आगे क्यों हम जबरदस्ती लूप को चलाएं, हमारी प्रोसेसिंग क्यों एक्स्ट्रा करें, हो चुका है हमारा काम। तो ये मिलने के केस में ये होगा। और जब से हमारा ब्रेक लगा, जैसे ही लूप में हमारा ब्रेक लगा, लूप टर्मिनेट हुआ, बाहर निकल के चेक करेंगे, फ्लैग वन है तो मिल गया, नहीं है तो नहीं मिला, राइट। नाउ ये तो हो गया, ये वाला कंडीशन मिल गया, ये वाला कंडीशन मिल गया, लेकिन ये वाला कंडीशन छूट गया कि ए का मिड बड़ा है कि से की से। तो मान लीजिए ए का मिड जो है वो अगर बड़ा है की से, तो की में अगर हम मान लीजिए अब 35 के बदले क्या रख देते हैं, 30 रख देते हैं, ताकि हमें ये का इसका ही बदले। तो अभी तो मिड कैलकुलेट हुआ, फिर से चेक करेगा, ए का मिड बराबर है की के, 35 बराबर है 30 के, नहीं, ए का मिड बड़ा है की से, 35 बड़ा है 30 से, हाँ जी बिल्कुल 35 बड़ा है 30 से। तो जब 35 ये बड़ा है तो इसके बाद तो और इससे बड़े वाले हैं, इस साइड तो मिलेगा ही नहीं, कहां मिलेगा, पीछे मिलेगा, इन मिड के पीछे मिलेगा। तो इधर जे का कोई काम है नहीं, जे को उठा के मिड माइनस वन पे डाल दीजिए, जे को उठा के यहां डाल दीजिए। सो इस केस में हम क्या करेंगे, जे इक्वल टू व्हाट, मिड माइनस वन। तो जे जो है वो मिड माइनस वन से यहां से उठ के यहां आ गया, छह पे आ गया, जे जो था नाइन था, नाइन से सिक्स पे आ गया। फिर से अब मिड निकलेगा, आई प्लस जे अपॉन टू, आई में कितना है, फाइव, देखिए जे में कितना है, सिक्स, सिक्स फाइव इलेवन, इलेवन अपॉन टू फाइव, क्योंकि इलेवन अपॉन टू फाइव पॉइंट फाइव, तो फाइव हो जाएगा। तो अब मिड कितना पे सेट हो गया, फाइव पे सेट हो गया, ध्यान दीजिएगा, मिड कितना पे सेट हो गया, फाइव पे। तो आई भी जो है फाइव पे और मिड भी क्या आ गया, फाइव पे आ गया, यहां से मिड हट गया। तो अब जब फिर से चेक करेंगे, ए ऑफ मिड बराबर है की के, ए ऑफ मिड 28 है ना, बराबर है की के, 30 के बराबर है, नहीं, ए ऑफ मिड बड़ा है की के, ए ऑफ मिड में क्या है, 28 बड़ा है, सॉरी हाँ पहले क्या देखेंगे, ए ऑफ मिड बड़ा है की के, 28 बड़ा है 30 से, नहीं, ए ऑफ मिड छोटा है की से, 28 छोटा है 30 से, हाँ जी है। तो जब है तो आई को उठा के मिड प्लस वन पे डाल दो, तो आई को उठाया और मिड प्लस वन पे डाला, तो आई जब यहां से उठेगा तो फाइव पे था तो कहां चला जाएगा, सिक्स पे चला जाएगा। तो जहां जे था वहीं आई आ गया, यानी आई का पोजीशन इस बार क्या हो गया, आई पे सिक्स हो गया, राइट। अब क्या होगा, फिर से ऊपर जाएगा। अब कंडीशन जो होता है वो इसी टाइम तक चलता है, यानी कि आई को हमने जीरो पे सेट किया और जे को हमने नाइन पे सेट किया, और हम जब लूप लगाते हैं तो यही लगाते हैं, जब तक कि आई की वैल्यू या तो छोटी है तो बराबर है जे के, तब तक ही लूप चलता है। तो देखिए आई यहां था, जे यहां था, तो आई छोटा है ना, जैसे आई छोटा है जैसे, अब यहां पे आई और जे बराबर है, ये लास्ट है जब हमारा क्या करेगा, लूप चलेगा। तो अब क्या निकलेगा, फिर से मिड,
आई प्लस जे अपॉन टू, तो आई भी छे जे भी छे, तो छे प्लस छे बारह, बारह में दो से डिवाइड करेंगे तो भी छे आएगा, यानी इस बार आई भी जे भी और मिड भी छे पे चले आए, तीनों छे पे चले आए, ठीक है सिक्स पे है ना। अब ये लास्ट कंपैरिजन है, अगर यहां हमें एलिमेंट मिला तो मिला, नहीं तो हम कहेंगे नहीं मिला। ए ऑफ मिड बराबर है की के, ए ऑफ मिड थर्टी, थर्टी बराबर है थर्टी के, हाँ जी मिल गया। अब अगर मान लीजिए मैं थर्टी के अलावा यहां कोई दूसरा नंबर रख देता, थर्टी वन कर देता, तो ए ऑफ मिड बराबर है की के, थर्टी बराबर है थर्टी वन के, नहीं है, नहीं है, तो ए ऑफ मिड बड़ा है की से, ए ऑफ मिड, ए ऑफ मिड कितना है थर्टी, थर्टी बड़ा है की से, नहीं नहीं है, ए ऑफ मिड छोटा है किससे, ए ऑफ मिड थर्टी छोटा है थर्टी वन से, हाँ जी है, तो आई को मिड प्लस वन पे डालो, तो आई जो यहां था मिड प्लस वन मतलब यहां आया, तो अब आई में जो है वो कितना आ गया सेवन आ गया। जब आई में सेवन आ गया तो अब जब ये कंडीशन आप चेक कर रहे हैं, आई छोटा है जे से या बराबर है सात छोटा है छे से, नहीं, लूप टर्मिनेट, जब लूप टर्मिनेट एलिमेंट नहीं मिला, फ्लैग जो है वो जीरो का जीरो रह गया होगा, जब फ्लैग जीरो का जीरो रह गया इसका मतलब हमें एलिमेंट नहीं मिला। तो ये है होल एंड सोल, मिला तो नहीं मिला तो सब कैसे करते हैं हम बाइनरी सर्च में, इसको ड्राइडन से भी मैंने आपको यहां समझा दिया। तो अब इसी चीज को हमें यहां पे लिखना है कि मिड निकाला, ठीक है, उसके बाद यहां ये तीनों कंडीशन आप चेक करेंगे कि इफ क्या ए ऑफ मिड जो है वो बराबर है किसके, की के, तो आप क्या करेंगे सेट फ्लैग टू जीरो, सेट फ्लैग इक्वल टू व्हाट वन, ठीक है, और सेट पोजिशन इक्वल टू व्हाट, पोजिशन इक्वल टू आई प्लस वन, और लूप को क्या कर देंगे ब्रेक कर देंगे। ये पहला लिख लिया, अब मैं इसके नीचे लिखूंगा तो हो सकता है नहीं आए स्क्रीन पे, इसके बाद आपको क्या लिखना था इसी में यहां पे, ये तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा मिटा के साफ करता हूं, देखिए इसके बाद क्या लिखना था आपको, ये तो पहला कंडीशन हो गया है ना, अब इसके बाद क्या है, ये दूसरा कंडीशन लिखना था आपको, देखिए क्या लिखेंगे अब यहां पे, यहां पे हम लिखेंगे, ये सब एल्गोरिथम है, पहले एल्गोरिथम के बाद प्रोग्राम बताऊंगा, ये हो गया इफ, अब इसी के साथ मतलब लूप के अंदर ही लिख रहे हैं ना, तो इसी लूप के अंदर ही हम लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे लूप के अंदर, देखिए लूप के अंदर ही अभी हम ये लिखेंगे कि ये तो पहला कंडीशन था, दूसरा चेक करेंगे कि अगर ए ऑफ मिड जो है वो क्या है, ए ऑफ मिड बड़ा है की से, तो अगर ए ऑफ मिड बड़ा है की से तो क्या करेंगे भैया, तो उस केस में ए ऑफ मिड मान लीजिए ए ऑफ मिड जैसे यहां पे मिड था ना हमारा, नहीं यहां था मिड, ओके आई यहां था जे यहां था, तो मिड में मान लीजिए और की मान लीजिए कितना था 30 था सर्च करने के लिए सपोज कीजिए, तो ए ऑफ मिड ग्रेटर देन की, ए ऑफ मिड 25 इज ग्रेटर देन 30, नहीं, अब हम यहां पे अगर 20 रख देते हैं मान लीजिए सपोज कीजिए 20 इसको देखने के लिए, तो ए ऑफ मिड 25 बड़ा है की से, तो 25 बड़ा है 20 से, हां जी बड़ा है, तो इसका मतलब कि इस साइड तो नहीं मिलेगा, इसी साइड मिलेगा, तो जे को उठा के कहां करते हैं हम, जे इक्वल टू मिड माइनस 1 पे सेट कर देते हैं, तो जे उठेगा यहां से और मिड माइनस वन पे चला जाएगा, यहां पे आ जाएगा जे, और वैसे ही एक और चेक कर लेते हैं, अगर ए ऑफ मिड क्या है, ए ऑफ नॉट आई, ए ऑफ मिड, अगर ए ऑफ मिड जो है वो क्या है छोटा है की से, तो क्या करेंगे उस केस में, ए ऑफ मिड 25 मान लिया 30 रहता छोटा है, हाँ जी छोटा है 25 छोटा है 30 से, तो इधर तो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा इधर, तो हम आई को उठाए कहां डालेंगे मिड प्लस वन में, आई इक्वल टू व्हाट मिड प्लस वन, I इक्वल टू मिड प्लस वन, राइट। अब ये लूप चलेगा कब तक, जब तक I की वैल्यू क्या है छोटी जैसे चलते रहेगा, अब लूप से बाहर निकलेंगे तो स्टेप फाइव में चेक करेंगे, स्टेप फाइव इफ फ्लैग इज वन वन तो क्या करेंगे प्रिंट फाउंड, यानी मिल गया, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे एल्स प्रिंट नॉट फाउंड, प्रिंट नॉट फाउंड। तो देखिए ये एल्गोरिथम हमने क्या किया, जो प्रोग्राम था ना उसी प्रोग्राम को नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज में लिख दिया, दिस इज द एल्गोरिथम, बिल्कुल दिस इज द सेम एल्गोरिथम। अब यही एल्गोरिथम किसी दूसरे बुक में दूसरे तरीके से दिया होगा, किसी दूसरे टीचर की वीडियो में किसी दूसरे तरीके से दिया होगा, बट द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। सो दिस वॉज द फंक्शनिंग एंड एल्गोरिथम ऑफ बाइनरी सर्च। नाउ वी विल राइट द प्रोग्राम इन सी दैट हाउ टू परफॉर्म बाइनरी सर्च। तो उसके लिए मुझे पहले बोर्ड को रब करने दीजिए। तो चलिए बाइनरी सर्च का प्रोग्राम लिखते हैं, और ऑब्वियस ही बात है सबसे पहले मेरा क्या होगा हेडर फाइल, दैट इज व्हाट हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, फिर उसके नीचे हैश इंक्लूड
conio.h, conio.h नहीं लगाना पड़ेगा अगर आप जो है वो dev C++ या कोड ब्लॉक्स में काम कर रहे हैं। ये टर्बो C++ में यूज होता है स्क्रीन को होल्ड करने के लिए ताकि आप आउटपुट देख सके, ठीक है। ये जो मैं प्रोग्राम बता रहा हूँ बिना किसी फंक्शन के बता रहा हूँ, यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन मैंने यूज नहीं किया है, नॉर्मल बता रहा हूँ। लेकिन जो नोट्स में दूंगा इस हर एक वीडियो की नोट्स उसके डिस्क्रिप्शन में होती है, तो इस डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स मिलेगा इस वीडियो का आपको उसमें नॉर्मली भी और फंक्शन के थ्रू भी समझाया हुआ होगा, सो डोंट वरी। नाउ अगर ये समझ लीजिएगा नॉर्मल तो फंक्शन के थ्रू तो बस कन्वर्ट करके आपको देखना होता है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ मिल ही जाएगा, इसलिए नॉर्मल समझ लीजिए। हम यहाँ क्या करते हैं इंटीजर टाइप का हम एक ए 10 लेते हैं और ये क्या लेते हैं आई लेते हैं, लूप लगाते हैं इनपुट लेने के लिए फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 10 और क्या आई प्लस प्लस। इसके अंदर हम क्या करेंगे प्रिंटएफ स्लैश एन स्लैश एन, यानी हर बार नए लाइन में ठीक है एंटर नंबर, यानी क्या कीजिए नंबर एंटर कीजिए ठीक है, और जो भी नंबर यूजर देगा उसको हम कहां रीड कर लेंगे तो स्कैन ऑफ परसेंट डी कॉमा एम परसेंट कहां ए ऑफ आई में हम उसको क्या कर लेंगे रीड कर लेंगे। अब ये हम जानते हैं कि ये हमेशा हमारे किसके लिए यूज होता है, दिस इज ऑलवेज फॉर इनपुट राइट। सो मतलब हमारा एक ए नाम का एरे बनेगा जिसमें टोटल कितने एलिमेंट जाएंगे 10, दैट शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर, याद रखिएगा। डिसेंडिंग भी हो सकता है लेकिन हमारा कोड असेंडिंग के लिए, डिसेंडिंग के लिए खुद से दिमाग लगाइए ठीक है। देखिए मैं ये कोड बता दूंगा असेंडिंग के लिए, आप डिसेंडिंग के लिए लगा के बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि इसी सेम कोड को डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमारा एलिमेंट हो कैसे लिखेंगे, एक्सप्लोर करना पड़ेगा बच्चा, दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको लगता है कि वीडियो आधे घंटे की मैं बना रहा हूं कंटिन्यूअस बना रहा हूं, तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी थोड़ा बनता है मेहनत करें। नाउ 3, 7, 9, 11, 20, 25, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में मान लीजिए 40 और 9th में मान लीजिए 43, हो गया 10 नंबर्स का इनपुट। अब हम यूजर से पूछेंगे वो नंबर दीजिए जो आप सर्च करना चाहते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे printf slash n enter number to search, यानी वो नंबर दीजिए जो आप सर्च करना चाहते हैं टू सर्च। अब जो भी नंबर यूजर ने दिया उसको रीड करना पड़ेगा, रीड कर लेते हैं scanf परसेंट डी कॉमा एम परसेंट कहा की में, चलिए उसको हम किसमें स्टोर कर लेते हैं की में, वेरिएबल का नाम हमेशा मैं एक जैसा ही रखता हूं ठीक है। तो यहाँ पे की नाम का वेरिएबल मानेंगे और मान लीजिए की में यूजर ने क्या दिया कि मुझे सर्च करना है 35, कुछ भी दे सकता है 35 सर्च करना है। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे सेटिंग करनी होगी कुछ, फ्लैग को मैंने कितना सेट किया फ्लैग यहां नहीं सेट करूंगा, यहां पे भी कर सकता हूं हालांकि मेरी मर्जी है, लेकिन चलिए मैं नीचे ही कर लूंगा। एक पोजीशन नाम का वेरिएबल लूंगा क्योंकि मुझे पोजीशन भी निकालना है, तो मैं सेट करूंगा आई को कितना पे 0 पे, जे को कितना पे 9 पे और फ्लैग को कितना पे 0 पे। तीनों चीजें सेट हो गई, हाँ जी तीनों चीजें सेट हो गई, वेरी गुड अच्छी बात है। अब हमारा लॉजिकल सेक्शन स्टार्ट होता है, ये तो हमारा इनपुट, ये भी इवन कहिए तो ये जो हम लेते हैं जो हम अपना की वो भी तो इनपुट सेक्शन ही है। अब यहां से हमारा लॉजिकल सेक्शन क्या होता है स्टार्ट होता है, हमने आई को 0 पे सेट किया कर दिया, जे को 9 पे किया कर दिया, अब फ्लैग को 0 पे कर दिया, लीजिए जी यहाँ पे एक फ्लैग नाम का वेरिएबल लिया 0 पे सेट कर दिया, पोजीशन लिया है लेकिन पोजीशन का काम आगे आएगा, अगर मिलेगा तो आएगा नहीं तो नहीं आएगा। अब हमें लूप लगाना है, लूप में क्या लगाएंगे जब तक कि आई की वैल्यू या तो छोटी है या तो बराबर है किसके जे के, और बार बार मैंने भी थोड़ा देर पहले बताया ना मिड को फाइंड करते हैं कैसे, तो आई प्लस जे अपॉन टू, तो आई 0 जे 9, 0 प्लस 9 अपॉन 2 इज 4.5 लेकिन ये लेगा 4, मिड आगे किस पे 4 पे। अब इसकी कंपैरिजन हम इसके साथ करते हैं ना, क्या क्या लिखते हैं कि अगर ए ऑफ मिड की वैल्यू जो है वो बराबर है की के, अगर बराबर मिल गई तो बराबर मिलने में तो बड़ा आसानी है भैया, सीधे फ्लैग को क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए, पोजीशन में क्या डाल दीजिए मिड प्लस 1 डाल दीजिए ठीक है, और लूप को चलाना नहीं है तो ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक क्या करता है लूप को टर्मिनेट करता है, जिस भी लूप में ये लाई करता है उसको टर्मिनेट कर देता है, पूरा लूप ही टर्मिनेट हो जाएगा, यानी मिलने पर यह काम हो गया लेकिन अभी तो मिला नहीं है तो ये बराबर के लिए चेक किया ठीक है। दूसरा चेक करते हैं क्या, अगर ए ऑफ मिड जो है वो बड़ा है की से, तो ए ऑफ मिड यानी 20 बड़ा है 35 से, नहीं पता है छोड़ दीजिए नहीं है 20 मतलब पता तो है ही, ए ऑफ मिड बड़ा है की से 20 बड़ा है 35 से नहीं। तीसरा चेक कीजिए, अब क्या ए ऑफ मिड जो है वो छोटा है की से, तो ए ऑफ मिड छोटा है 20 जो है वो छोटा है 35 से, हाँ तो जब ये छोटा है तो इधर तो मिलेगा ही नहीं, तो आई को उठा के हमें कहां डाल देना होगा मिड प्लस 1 पे, तो इस केस में हम क्या करेंगे आई को उठा के मिड प्लस 1 पे डाल देंगे।
तो जब हमें ये मिल गया कि आई को उठा के यहाँ मिड प्लस वन पे डाल देंगे, तो अगर ये मिलेगा ही नहीं, ए ऑफ मिड बड़ा है की से, मान लीजिए बड़ा होता, मान लीजिए मुझे 35 में सर्च करना होता 15, तो ए ऑफ मिड 20 बड़ा है की से, 15 से बड़ा है, हाँ जी बड़ा है, तो इसके बाद तो और सारे बड़े होंगे, यानी इधर तो मिलेगा ही नहीं, तो जे उठा के कहाँ डाल देंगे, मिड माइनस वन पे, तो उसके समय हम जे उठा के डाल देंगे मिड माइनस वन पे, यानी कि आई और जे इस तरीके से सेट होते रहेंगे बार बार, और बार बार मिड निकलते रहेगा, चेकिंग होते रहेगी, लूप के बाहर निकल के हम चेक कर लेंगे कि क्या फ्लैग में रखी गई वैल्यू 1 है, अगर 1 है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन एलिमेंट फाउंड एट, यानी एलिमेंट मिला, एलिमेंट फाउंड एट परसेंट डी पोजीशन, और उसकी वैल्यू कहां से ले लो, पीओएस से ले लो, और अगर ऐसा नहीं है यानी फ्लैग 0 का 0 रह गया, तो एल्स पे जाके मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट एफ स्लैश एन एलिमेंट नॉट फाउंड, यानी जो आप एलिमेंट कह रहे हैं ढूंढने को वो एलिमेंट मिला ही नहीं, यहां से गेट सी एच स्क्रीन होल्ड कर लेंगे, रिटर्न 0, प्रोग्राम टर्मिनेटेड व्हाट सक्सेसफुली, और प्रोग्राम यहां क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो ऑलरेडी ये हो गया इनपुट, ये क्या हो गया यहां से प्रोसेसिंग, पी आर ओ सी ई डबल एस प्रोसेस, और ये हमारा क्या है, इसको चेक करके हम क्या करते हैं, आउटपुट शो करते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये है हमारा बेसिक, या यू कहिए सब कुछ बाइनरी सर्च, क्योंकि दिस इंप्लीमेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट बाइनरी सर्च, सो दिस वाज द ओवरऑल प्रोग्राम फॉर बाइनरी सर्च। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन ये भी होता है कि बाइनरी सर्च की जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी, ऑब्जेक्टिव में ये खूब पूछता है कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो कॉम्प्लेक्सिटी को हम बिग ओ में मेजर करते हैं, किसी भी प्रोग्राम की या किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी हम बिग ओ नोटेशन में क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ओ लॉग एन, ओ लॉग एन, दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी, इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बेसिकली लॉग एन इसलिए होता है क्योंकि एक ही बार में 100% से 50%, 50% से 25%, दैट इज लॉग एन, राइट, इसी को हम लोग लॉग एन कहते हैं, इसीलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ओ लॉग एन होती है, एक नंबर क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं, तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, और प्रैक्टिकली करने के लिए मैंने ये बिल्कुल वही प्रोग्राम टाइप किया हुआ है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक एक लाइन सेम लाइन अगर आप मैच करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी द सेम कोड दैट आई एक्सप्लेन यू राइट नाउ, बिल्कुल वही है बाइनरी फाइल्स में। बाइनरी सर्च का बस एक चीज़ याद रखिएगा कि बाइनरी सर्च में ये बात ही होती है कि जब आप डेटा की एंट्री कर रहे होंगे, यानी कि यहाँ पर जब आप डेटा एंट्री करेंगे, तो अभी ये जो प्रोग्राम है वो असेंडिंग ऑर्डर के लिए है, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना पड़ेगा, डेटा की एंट्री करनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है, बाकी सारा सेम प्रोग्राम बिल्कुल वही है जो आप अभी मैंने आपको समझाया। चलिए इसे रन करके देखते हैं कि क्या ये सही से काम कर रहा है, तो चलिए यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे देखिए कहता है एंटर एरे एलिमेंट्स, और मैं मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर देता हूँ 2, 5, 9, 10, 15, 20, 26, ठीक है 28, 40, कुछ भी असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि अभी जो कोड लिखा हुआ है वो असेंडिंग ऑर्डर का कोड लिखा हुआ है, तो आपको जो भी डेटा देना है वो क्या देना है, असेंडिंग ऑर्डर में देना है, आप डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी दे सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कोड में, खुद से कोशिश करके देखिए हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स ख़राब हैं, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और मेहनत कीजिए। हालांकि अगर आपसे नहीं हुआ तो मैं इसका सॉल्यूशन बाद में एक छोटे से वन शॉट में डाल दूंगा, मतलब 1-2 मिनट की वीडियो में डाल दूंगा, बट कोशिश कीजिए। अब जैसे यहाँ पे बोलता है कि नंबर सर्च करना, मैं कहता हूँ मुझे 28 सर्च करना है, जैसे मैंने एंटर किया इसने कहा क्या, एलिमेंट फाउंड एट 8th पोजीशन, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 28 जो है वो 8th पोजीशन पे फाइंड आउट हो गया, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। और अगर कोई एक ऐसा नंबर दे जो है ही नहीं तो उसका भी देखना पड़ेगा, मान लीजिए मैं कहता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, मैं बोलता हूँ कि 15 को सर्च कीजिए, तो ये क्या कहेगा, एलिमेंट नॉट फाउंड, दैट मीन्स हमारा प्रोग्राम दोनों कंडीशंस पे परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।